ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज इस कालांश में कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता इस पाठ के जो शेष प्रश्नोत्तर हैं वो आज हम हल करेंगे। इसमें छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर दें, जैसा बताया गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। कह है एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्। एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्, एक बड़ी गुफा देख करके वह सोचता है। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या से पदानि अपि लिखा। इस वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं ये संख्या के साथ पदों को भी लिखना है। उत्तर है अत्र द्वे विशेषण पदे, यहाँ इस वाक्य में दो विशेषण शब्द हैं। एकाम महति, ये दो विशेषण शब्द हैं। खे प्रश्न है तदहम अस्य आह्वानं करोमि, जब मैं उसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ जो अहम शब्द दिया है वह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। उत्तर है अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, यहाँ जो अहम शब्द आया है वह शेर के लिए प्रयोग में लाया गया है। गह यदि त्वम माम ने आवेशी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्, इस वाक्य में जो कर्ता पद है वह क्या है। उत्तरम उत्तर है अत्र कर्तृपदं त्वम गुहा इति अस्ति, यहाँ जो कर्ता शब्द है वह त्वम है जो गुफा के लिए प्रयोग में लाया गया है। घेह सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के जो पैरों के चिन्ह हैं वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। उत्तर है अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदं, यहाँ इस वाक्य में दृश्यते जो शब्द है वह क्रिया पद है। अणे है वने अत्र संस्तश्च समागता, जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्, वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ जाता है। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में अव्ययपद किम् पदं किम्, अव्ययपद जो अव्यय शब्द है वो क्या है। उत्तर है अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम् अस्ति, इस वाक्य में जो अत्र शब्द आया है वह अव्यय है। मंजूषा अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं अव्ययपद दिए हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे जो बोध कथा है उसके रिक्त स्थानों को पूरा करके और उस बोध कथा को पूरी करेंगे। शब्द है कश्चन दूरे नीचई यदा तदा यदि तरही परम चे सहसा, ये जो शब्द हैं इनको हमें ध्यान में रखते हुए और आगे की बोध कथा को पूरा करना है। एकस्मिन् वने रिक्त स्थान व्याध है जालम स्थिरीय दूरे स्थित है, एक वन में रिक्त स्थान शिकारी जाल फैला करके बैठ जाता है। यहाँ इस जो रिक्त स्थान है उसमें कश्चन शब्द आएगा जिसका अर्थ होता है कोई, एक वन में कोई शिकारी जाल फैला करके दूर बैठ जाता है। क्रम से आकाशात से परिवार कपोत राजे रिक्त स्थान आगच्छते, उसके बाद आकाश से परिवार सहित जो कबूतरों का राजा है वह खाली स्थान आता है, तो यहाँ नीचे ही आएगा अर्थात नीचे आता है। आगे रिक्त स्थान कपोते तंडुलान अपश्चन, रिक्त स्थान कबूतर चावलों को देखता है, तो यहाँ आएगा यदा, यदा यानी जब, जब कबूतर तंडुलों को देखते हैं तदा तेषां लोभो जाते, तब तदा यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें तदा आएगा, तब
उनके मन में आकृष्ट हो जाते हैं, उनके मन में लोभ आ जाता है। परम राजा सहमत नासी, किंतु वह राजा उन्हें अस्वीकार कर देता है, सहमत नहीं होता है, राजी नहीं होता है। तस्य युक्ति आसी, उसके मन में विचार आता है, रिक्त स्थान वने को अपनी मनुष्य नास्ती, रिक्त स्थान वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। यह आएगा यदि, यदि वने को अपनी मनुष्य नास्ती, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुते तंडुला संभवते, तो चावल कहाँ से यहाँ संभव हो सकते हैं। रिक्त स्थान राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपूता तंडुला खादी तुम प्रवर्ता जाले तर ही निपतिता। रिक्त स्थान है राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य, किंतु परम शब्द जो यहाँ आया उसका अर्थ होता है किंतु, किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए और लग जाते हैं जाले तरी निपतिता, और जाल में तब वो गिर जाते हैं। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है से रिक्त स्थान विदधीत ने क्रिया में, इसलिए कहा गया है विदधीत ने क्रिया में आया हुआ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आएगा सहसा अचानक, सडनली कोई विचार मन में आता है तो हमें बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। व्याकरण का कुछ अंश है, अव्यय शब्द है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय संस्कृत भाषा में शब्दों के दो प्रकार है, अव्यय शब्दों के दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। जो शब्द विकारग्रस्त तथा परिवर्तनशील होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें लिंग पुरुषवचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द जैसे हैं बालके से शुक्ले गच्छति। इसी प्रकार अविकारी शब्द अव्यय अव्यय कहलाते हैं जो विभक्ति वचन लिंग पुरुष काल के आधार पर इनके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं। अविकारी शब्द वो अव्यय हैं जिनके लिंग वचन पुरुष विभक्ति के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र अधुना अपि, अव्ययों के भी दो भेद होते हैं, रूढ़ अव्यय व यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते हैं जैसे अपि चे खलु वा, यौगिक जो अव्यय हैं वो उनके खंड होते हैं, कृत प्रत्यय से बने अव्यय है गत्वा गन्तुम इत्यादि। इस प्रकार से यह पाठ हमारा जो दूसरा पाठ था अपने विषय का संस्कृत का वो पूर्ण होता है आज प्रश्नोत्तरों सहित। आप सभी भैया भाई अपने जो गृहकारी कॉपी है उसमें हमारे पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें आप करेंगे, ऐसा आग्रह है। धन्यवाद।